एजेंसी द्वारा प्रॉपर्टी का ठीक से सर्वे न किए जाने का खामियाजा आने लोगों को भुगतना पड़ रहा है। करीब 6 माह से प्लॉट खरीदने व बेचने वाले उपभोक्ता लगातार नपा कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पा रही, जिसके कारण उन्हें प्लॉट बेचने और खरीदने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस बारे में नपा कार्यालय में तैनात कृष्ण कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गत वर्ष नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्राइवेट एजेंसी प्रॉपर्टी आईडी के लिए कस्बे का सर्वे करवाया जा रहा है। एजेंसी द्वारा नपा कार्यालय में पुराने रिकॉर्ड के अनुसार प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन नहीं की गई। प्रॉपर्टी आईडी से मिलान नहीं होने के कारण ऑनलाइन आईडी नहीं बन पा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रॉपर्टी आईडी न बनने के कारण रजिस्ट्रियां रुक गई है, तो किस कारण, क्या समस्या आ रही है? जो ये सर्वे है ना, ये बिल्कुल गलत हो गया है और इसमें जो प्रॉपर्टी सर्वे वो चले नहीं है, इस करके ये नई अलग बन गई और पुराने अलग बना गई, जो ये ओरिजिनल बन गई, इसी कारण प्रॉपर्टी आईडी नहीं। तो किसके द्वारा सर्वे किया गया था? तो क्या उसने जो पुरानी आईडी ऑनलाइन में किया? नहीं, अगर पुराने के साथ मेल करता ना तो ये समस्या नहीं आती। तो अब तक कलायत के अंदर कितनी प्रॉपर्टी आईडी बन चुकी है? जो पुराना रजिस्टर है उसके अनुसार कितनी है और नए के अनुसार? पुराने के अनुसार 10,146 और नए के अनुसार 8,000 कुछ। तो प्रॉपर्टी आईडी के लिए प्रशासन की, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए? हाँ जी, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो किस प्रकार की कोशिश की जा रही है इसके लिए? ये सर्वे पूरे जो इसके द्वारा से वो करने की कोशिश। तो इसके लिए तो कोई कमेटी वगैरह गठित की गई है? नहीं, अभी तक नहीं। सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे, उसके बाद उनके सामने समस्या रखते हैं। क्या समस्या है? अपना नगर पालिका कार्यालय आए समस्या ये है जी, मैंने 11/2/2021 में प्लाट लिया है, तो उसका रजिस्ट्री करवाने फिर तुम यहाँ पे आए पे, इसकी प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स वगैरह तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे आकर पता करा, इनकी क्या है, मेरे को 8760 रुपये का टैक्स है इसके ऊपर बकाया, तो मैंने 8760 रुपये इनका भर दिया टैक्स। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी आई डी बनवानी थी मुझे, ये यहाँ पे कह रहे थे भाई यहाँ पे अभी साइड नहीं चल रही, थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं 2-3 बार आए यहाँ पे पहले भी, अब पता लगा भाई प्रॉपर्टी आई डी दोबारा बनने लगी, तो इस करके दोबारा आया मैं यहाँ पर, पता करा भाई अभी तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप फिर नहीं बने प्रॉपर्टी आई डी, आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाओ भाई, आपका कोई टैक्स प्रॉब्लम नहीं है? बकाया मैंने बकाया इनको रसीद भी दिखाई, मैंने 2 महीने में लगे सारा टैक्स भर दिया था, लेकिन आप खेल बोले नए रजिस्टर में आपके पास 80,000 रुपये का और टैक्स बकाया है, ये 4 महीने का जो मेरा बकाया वो 80,000 रुपये हो गया। तो मेरे पास लग रहा है कि क्यों हाउस टैक्स की रसीद भी है, आपने भर दिए जो पैसे? हाँ जी, मैंने भर दिए, मेरे पर कि मेरे पास बकायदा रसीद भी है उस टैक्स की। तो आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है जब मैं बता, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कम से कम भी 6-7 महीने हो गए लोग प्रॉपर्टी आई डी वास्ते घूमन लग रहे हैं, क्लैट में कोई रजिस्ट्री नहीं। प्रॉपर्टी आई डी में बनने के कारण क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या तो वही बात है जी, लोगों ने अब फुल पेमेंट भी कर रखी है, लोग एक दूसरे विश्वास के ऊपर दे भी दिया ले भाई हो जाएगी रजिस्ट्री, अगर 6-6 महीने निकल जाए तो आप उसमें विश्वास भी रख मंगाए एक दूसरे का, पैसे मिल सकते हैं एक दूसरे के। तो आपके क्या मांगे? मांग दी है जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए लोगों की, भाई काफ़ी टाइम हो गया भाई, अपना लोग और भी काम धंधे करे जी भाई, बातें सारी हम तो इस पर लगे नहीं रह जाता भाई, प्रॉपर्टी आईडी वास्ते करे जाओ दफ्तर में चक्कर आप। अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।